हेलो एवरीवन सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो फर्स्टली आपको यहाँ पर क्या लेना है इस तरह से आपने साउथ और नॉर्थ आपकी यहाँ पर पोल्स है बार मैग्नेट का इसको इन सच अ वे आपने रखना है कि आपका यहाँ से बाहर से क्या जा रही है आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सो दैट मीन्स आपने बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे है बिकॉज आपकी जो फील्ड लाइन्स है दिस 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 एंड दिस वो कैसे है वो इक्वली स्पेस्ड है तो ये डिनोट करती है कि ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज यूनिफॉर्म सो लेट अस कंसीडर अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी वजह से क्या होगा जब भी आप किसी मैग्नेट को बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स लगती है तो किस तरह से फोर्स लगेगी एक साइड नॉर्थ डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगी और दूसरी साइड साउथ आपका जो पोल है उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगी तो फर्स्टली जो ये बार मैग्नेट है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लेंथ है ट्वेल्व नाउ अगर ये आपका साउथ पोल है ये आपका नॉर्थ पोल है तो आपको पता है कि साउथ से लेके नॉर्थ में क्या होता है साउथ से लेके नॉर्थ वाले डायरेक्शन में आपका कैपिटल एम होता है कैपिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है आपका और यहाँ से साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में वो आ गया और इसके बाद हमें देखना है कि नॉर्थ पोल पर आपकी जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है और कौन से डायरेक्शन में है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल विल बी इक्वल टू देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जितनी उस पोल की जितनी फील्ड स्ट्रेंथ है इस नॉर्थ पोल की कितनी फील्ड स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो है स्मॉल एम राइट इनकी कितनी है यहाँ पर small m है पर ये स्मॉल और यहां पर भी कितनी है स्मॉल एम है और उसी के साथ कितनी मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखा गया है इसे रखा गया है आपको बी मैग्नेटिक फील्ड में सो so, यहां पर फोर्स जो लगेगी आपकी नॉर्थ पोल में वो कितनी लगेगी उसकी वैल्यू हो जाएगी एम बी सो दैट मीन्स यहां पर जो फोर्स लगी आपकी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी फोर्स इज इक्वल टू नाउ द फोर्स इज इक्वल टू क्या है यहां पर एम है राइट और यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आपके नॉर्थ पोल पे कोई फोर्स लग रही होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो नॉर्थ पोल पे स्पेसिफिकली जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी उसी के अलॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है तो उसकी फोर्स भी इसी की डायरेक्शन में लगेगी एंड फॉर द साउथ पोल साउथ पोल पर क्या हो जाएगी फोर्स फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी साउथ पोल पर जो आपका पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो है सेम रहती है वो है m और इसमें भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी b है तो यहाँ पर देखना है हमें कि इस साउथ पोल पे जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑपोजिट टू द b आपका b मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है तो इस पे जो आपकी फोर्स लग रही है वो कहाँ को जाएगी बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाएगी बी यहाँ पर जा रहा है तो फोर्स इसकी इस तरफ आई सो दैट मीन्स इस केस में जो साउथ में साउथ पोल पर जो आपकी फोर्स लग रही है दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा एम इन बी आ जाएगा वो राइट right. और वैसे भी आपको मैं बता दूं ये डायरेक्शन का हमें कैसे पता चला होगा देखो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से आ रही होगी आपको पता है हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है सो दैट मीन्स यहाँ पर कहीं एक्सटर्नल कोई होगा जिसका मैगनेट uh, का जो नॉर्थ होगा यहाँ पर और मैगनेट का किसी बाहर वाले मैगनेट का यहाँ पर साउथ होगा तो अगर इसको इसके साथ अलाइन करा है तो नॉर्थ कहाँ जाने की कोशिश करेगा जो एक्सटर्नल साउथ है उसकी तरफ जाने को कोशिश करेगा और जो ये आपका साउथ है वो आपके नॉर्थ में जाने की कोशिश करेगा सो दैट्स वाई इस वजह से हमने बोला कि नॉर्थ में हमेशा अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगती है इसमें ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगती है और आप यहाँ पर देख रहे होगे कि आपकी ये फोर्स क्या है दीज फोर्सेज आर इक्वल तो आपकी ये क्या होगी जो एफ है दैट इज़ इक्वल टू कितनी है ये एफ है और कैसी है दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है अगर हम इसको एफ़ वन ले लें और हम इसको एफ़ टू ले लें तो यहाँ पर दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि इस टोटल जो बार मैग्नेट है उस पर जो एफ नेट होगा नेट फोर्स जो इस पर लगेगी दैट वुड बी ज़ीरो क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी सो सिंस द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड आर इक्वल सो एफ नेट जो रहेगी दैट वुड बी इक्वल टू जीरो रहेगी बट आपको पता होना चाहिए फोर्स तो इसमें नेट फोर्स तो ज़ीरो होगी बट टॉर्क इसमें अप्लाई होगा टॉर्क कब अब आपका अप्लाई होता है जब इक्वल मैग्नीट्यूड की जो फोर्सेस होती है वो किसी उसमें कैसे एक्ट कर रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है तो टॉर्क क्या करता है इसे रोटेट कर देता है इसे बिल्कुल मूव कर देता है रोटेट कर देता है तो टॉर्क क्या है टॉर्क भी आपकी एक फोर्स है जो कि आपके किसी भी सब्सटेंस को कैसा मोशन देता है बिल्कुल उसे रोटेट कर देता है सो नाउ टॉर्क विल बी एक्ट ऑन अ बार मैग्नेट टॉर्क लगेगी बार मैग्नेट में बट नेट फोर्स आपकी जीरो होगी नाउ टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या करा है टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्स से इसे रिप्रेजेंट करा जाता है इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखो और दो फोर्सेज के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे आपको लिखना है तो नाउ ये जो फोर्स है फोर्स क्योंकि दोनों की सेम है एम बी एंड एम बी थी तो यहाँ पर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी फोर्स विल बी इक्वल टू एम इंटू बी इंटू यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है बिटवीन द टू फोर्सेज है तो यहाँ पर अगर आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में है एक फोर्स आपके इस डायरेक्शन में है तो इसके और इसके बीच में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है सो आप क्या करोगे यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक आप क्या करोगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दोगे तो दैट मीन्स इसका और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है वो आपका अगर ये नॉर्थ पोल है एन ये साउथ पोल है एस तो लेट इट बी ये जो पॉइंट है आपका वो सी है तो आपका एक ट्राइंगल बन गया कैसा ट्राइंगल बन गया एन एस एंड सी बन गया तो ये जो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्चुअल में ये क्या है लेट अस सपोज जो एन और सी है उसका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका एक्स है तो यही आपका दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेट अस से हमने यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर हमें इसे एक्स लिखा है नाव टू फाइंड एक्स हमें क्या लेना पड़ेगा हमें एक ट्राएंगल लेना पड़ेगा और एक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें नाव हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इन ट्राइंगल नाव वी विल टेक अ ट्राइंगल In triangle NCS. एन सी एस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे ध्यान से देखना हम एक्स को निकालने की कोशिश करेंगे एक्स आपका क्या है देखो यहाँ पर क्या है और एक और बात यहाँ पर जो थीटा एंगल है थीटा भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है ध्यान से देखना थीटा एंगल क्या है थीटा एंगल आपका जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है सपोज़ ये भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली सपोज यहाँ करो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसके बीच का एंगल होता है थीटा तो अगर ये वाला ऊपर वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस के ऊपर जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं है, है और नीचे भी पैरेलल लाइन है तो ये सारे एंगल आपके थीटा होते हुए नजर आ रहे हैं आपको सो इन ट्राइंगल एन एस सी आपका क्या हो जाएगा ये वाली जो चीज़ है एक्स है वो क्या है वो एक आपका परपेंडिकुलर है तो ऐसा कोई फॉर्म जिसमें परपेंडिकुलर आता हो थीटा में आपका परपेंडिकुलर आता है सो वी विल फाइंड आउट द आपका परपेंडिक

आपका 90 डिग्री के ऑपोजिट हो जाएगा ओके okay? 90 डिग्री के ऑपोजिट आपकी ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ आपकी कितनी है 2l. एल सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोर्टन्यूस आपका x अपॉन टू हो जाएगा इन दैट ट्राइंगल सो हम क्या बोलेंगे नाउ वी नो दैट कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन थीटा वुड बी इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स अपॉन आपका टू हो जाएगा राइट एक्स अपॉन टू हो जाएगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई नाउ x विल बी इक्वल टू x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2l 2l टू साइन ऑफ थीटा आ जाएगी ओके टू एल साइन थीटा आ जाएगी नाउ जो आपका ये टॉर्क है टॉर्क में आपको क्या चाहिए था दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ पर हम इसको टॉर्क इज इक्वल टू ये वाली जो चीज़ आई है लेट इट बी ये फर्स्ट इक्वेशन है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर पुटिंग पुटिंग वैल्यू इन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन ऑफ एक्स इन इक्वेशन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में आपको यहाँ पर वैल्यूज़ की पुट करनी है नाउ देन यू विल गेट आपको क्या मिलेगा टॉर्क वुड बी इक्वल टू आपका टॉर्क कितना हुआ जो एम बी है उसके साथ साथ इंटू में जो एक्स है एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पर टू इन लेंथ कर दी एंड साइन आपका थीठा है और अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पर साइड में हम लिख लेते हैं सो so दैट हम इसे बोले ना वेयर uh, वेयर आप यहाँ पर लिख सकते हो वेयर थीटा इज द एंगल थीटा इज वर्ट थीटा इज द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन बी यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एंड आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इन दोनों के बीच का ये एंगल हो जाएगा राइट तो इनके बीच का आपका एंगल हो गया थीटा ये वाला जो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आपको एक और चीज़ पता है जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है उसकी वैल्यू होती है आपकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है इन जितनी आपकी बार मैग्नेट की लेंथ है यानी कि टू इतना होता है तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो टू है एंड स्मॉल जो एम है उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ सकती है कैपिटल एम उसकी जगह आप लिख सकते हो ना द ट विल बी इक्वल टू Now the torque विल बी इक्वल टू M. ओके okay? M मैग्नेटिक डायपोल moment एंड बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक field एंड देन साइन ऑफ थीटा राइट Now the torque विल be इक्वल टू अब अगर हमने इसकी वैसे तो आपके पास आ चुकी है वैल्यू जो टॉक अप्लाई हो रही है इसमें वो आपकी इतनी आएगी ठीक है टॉर्क आपकी इतनी आएगी ना जो आपकी वैल्यू टॉक में जो वैक्टर फॉर्म आएगी नाव द वैक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू वैक्टर फॉर्म ऑफ द टॉर्क विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू एम और बी का आप क्रॉस कर सकते हो राइट एम बी एम और बी का आपने क्रॉस करा तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर टॉर्क का वैक्टर फॉर्म आ जाएगा दैट मीन्स ये इस तरह से है तो यहाँ तक आपने टॉर्क वगैरह निकाल दिया अब इसके थोड़े स्पेशल केस हम कर देते हैं केस नंबर वन में आपको क्या करना है केस नंबर वन में आपको क्या करना है जब आपका एंगल जो है यानी कि जो थीटा है अगर आपका एंगल कितना है अब आप लिखोगे इफ़ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री यानी कि थीटा जो एंगल है अगर आपका जीरो डिग्री है देन वॉट हैपन्स कि आपका टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी पुटिंग दिस थीटा वैल्यू ओवर हेयर यू विल गेट टॉ इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा एम बी साइन ऑफ एम बी साइन ऑफ जीरो हो जाएगा नाउ नाउ जो साइन ज़ीरो होता है साइन जीरो कितना होता है ज़ीरो तो टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी टॉक की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी यानी कि उस पर कोई टॉक नहीं लगेगा उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और टॉक ज़ीरो अगर जब होता है तो इस पूरी सिचुएशन को क्या कहते हैं इस पूरी सिचुएशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम राइट स्टेबल इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं ओके okay? और नाउ यहाँ पर एक और केस है यहाँ पर केस नंबर टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं जब आपका जब आपका ये जो एंगल है वो कितना आ जाए जब थीटा की वैल्यू आपकी वन एटी है ओके okay? जब दोनों के बीच का एंगल 180 है तो उस केस में टॉर्क विल बी इक्वल टू टॉर्क विल बी इक्वल टू आपका एम बी एम बी साइन ऑफ 180 एटी नाओ साइन ऑफ वन एटी अगेन विल बी इक्वल टू जीरो नाउ टॉर्क विल बी इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस दिस सिनेरियो इज़ नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेशक दोनों में ही टॉर्क जीरो है बट नीचे वाली जो कंडीशन है वो आपकी अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहती है राइट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अब हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं तो देखो जो टॉर्क है यहाँ पर जो आपका ये टॉर्क है उसकी कोशिश क्या रहती है उसकी कोशिश रहती है कि उसको यहाँ पे जो बार मैग्नेट है आपका जो आपका ये बार मैग्नेट है अभी ऐसा है तो जो टॉर्क होगा इधर को फोर्स लगा रहा है इधर को फोर्स लगा रहा है तो उसको ऐसे घुमाएगा यानी कि इस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा ओके अभी ऐसा है तो वो जो टॉर्क है वो उसको ऐसे लग, ऐसे लाने की कोशिश करे है। एक बार आपका बार मैग्नेट ऐसे आ गया यानी कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गया ओके यानी कि एंगल आपका ज़ीरो हो गया तो टॉर्क उस पर ज़ीरो हो जाएगा फर्दर टॉर्क नहीं लगेगा बट इस पे केसेस है सपोज़ अगर आपका जो एंगल है वो ज़ीरो हो जाए तो ज़ीरो एंगल कैसे होगा जब ये ऐसे मूव करेगा ठीक है और ये मूव भी कैसे करता है अकॉर्डिंग टू जो हमने फोर्सेस देखी है जो फोर्सेस जैसे मूव करवा रही है बार मैग्नेट को वो ऐसे मूव करवा रही है ठीक है तो अगर आपका ये अलोंग हो जाता है अगर आपका ये बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हो जाती है तो इस केस में आपका एंगल जीरो बनेगा और ये स्टेबल इक्वेलिब्रियम इसे कहते हैं इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल natural है नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है कि इसको आपने छोड़ा टॉर्क लगी और ऐसे आ गया ओके जो वो वन वाला आपको बताया जा रहा है कि जब आपका एंगल वन हो जाएगा तो अनस्टेबल इक्वेलिब्रियम है बेशक टॉर्क ज़ीरो है ये कैसे बताया जा रहा है कि आपने ज़बरदस्ती क्या किया ज़बरदस्ती आपने इसको ऐसे ऐसे रख अभी इस इस तरफ को मुड़ा है अभी आपने क्या कर दिया इसको बिल्कुल ही 180 पे इस डायरेक्शन में रख दिया बिल्कुल इस डायरेक्शन में रखा अब क्या हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका बार है वो क्या हो गया दोनों आपस में 180 हो गए ओके अब ये क्या होगा जैसे ही आप इसको खुला छोड़ोगे वो एकदम से ऐसे आने की कोशिश करेगा ठीक है क्योंकि इसकी टेरेंसी है बार मैग्नेट की टेरेंसी है ऐसे को आने की ठीक है ऐसे रोटेट करने की तो इसका मतलब जो आप इस पोजीशन में इससे ज़बरदस्ती रखा है वन डिग्री पे वो कैसा है वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है जैसे भी थोड़ी भी ढील हुई डायरेक्ट ये दोबारा से अपनी स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा तो यानी कि ये जो जब थीटा जीरो है ऐसा पोजीशन है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि वो नेचुरली जो बार मैग्नेट है वो यही जाना चाहता है अगर आप उल्टा रखोगे तो वो अनस्टेबल का केस है हाईली अनस्टेबल केस होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं सो होपफुली आपको समझ आया होगा थैंक यू सो मच